ये घर नहीं है, जहन्नुम है। एक हारा हुआ इंसान जब फिर से हारता है ना, उसकी ऐसी कैफियत होती है जैसी मेरी है। आप खुद से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? आप भी इंसान हो ना, और अगर वो दोबारा आया तो घर तक ही आ सकता है ना, जिंदगी में तो नहीं। मुराद, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं नूर मामा की आंखों में अपने लिए बेगानगी नहीं देख सकता यार। मैं टूट कर उनसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। शायद ही उनैद भाई और सफीर भाई इतनी मोहब्बत करते हैं उनसे। समझ सकती हूं, भाई अपनी मामा और बाबा दोनों को खोए, लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिश्ते होते हैं। सो आई अंडरस्टैंड। आंटी तब से ऐसे हुई है ना, जब से ये शाह महल वाला किस्सा हुआ है। देखो अगर तुम कहते हो तो तुम्हारे कहने पे मैं पेपर साइन कर देती। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी खुशी है। क्या फर्क पड़ता है मेरी उनके पास हो या मेरे पास? काश नूरू मामा भी ऐसा सोचे, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि तुम मेरी खातिर अपनी चीज किसी को दो, फिर चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। वो चीज तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी, तुम्हारा हक है उस पर। एक गाड़ी को लेकर तुम इतना सैड हो गए हो? बात गाड़ी की नहीं है, बात इज्जत और मोहब्बत की। अच्छा दूर ही थोड़ा, इधर यहाँ पे। बीबी जी, ये क्या हाल बनाया अपने हाथों का, इतने रूखे सूखे हो गए। आप कहें तो मालिश कर दूं? छोड़ो से दूर ही, तुम्हें तो बस मौका चाहिए मेरी खिदमत करने का। तो और क्या करूं बीबी, आपको क्या पता मेरा दिल कितना खून के आंसू रोता है ये सोचकर कि मेरी पाक बीबी, सैयदादों की औलाद सैयदादी, उस गैर सैयदाद के घर झाड़ू पोछा करे, उनकी नौकरी करे। कोई नहीं सिदूरी, कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें, हर वक्त एक सा नहीं रहता। अल्लाह करे बीबी जी ऐसा ही हो। बीबी जी बाहर खबर आए, उसको स्टडी में बिठाओ, मैं आ रही। जी नूर मामा, ये गाड़ी किसकी है? तुम्हारी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने दो बेटों के लिए तो गाड़ी मंगवाऊंगी, लेकिन अपने हीरो के लिए नहीं मंगवाऊंगी? ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। जब कल नहीं दी तो फिर आज देने की क्या जरूरत थी? अच्छा जिद्दी बच्चा बनने की जरूरत नहीं है, अपनी नूरू मामा का गिफ्ट एक्सेप्ट करो। ये आपने नहीं, मैंने मंगवाई है शोहर के लिए। हुनैद, तुमने मुराद की गाड़ी मंगवाई है ना? ये पता नहीं नूरबानो क्या कह रही है। नहीं अम्मा। पर तुमने कहा था कि इसकी गाड़ी कल आ जाएगी। हाँ लेकिन ये वो गाड़ी नहीं है। गाड़ी मैंने मंगवाई है मुराद के लिए। लेकिन तुमने क्यों मंगवाई है ये गाड़ी? तुम भी तो गिफ्ट देते हो ना मुझे, मैं भी गिफ्ट दे रही हूँ। दुर्बानो इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत हो या ना, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। चलो ड्राइव पे चलते हैं। जरूर। आंटी आप आएंगी?
कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैंने हमेशा आपके कहे पर सर झुकाया। नूर बानो से शादी भी मैंने आपकी इजाजत से की थी, तो फिर मैं आज आपका नापसंदीदा बेटा कैसे होंगे? क्या मैं सफीर भाई से भी क्या गुजरा हूं? उन्होंने आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे छुप कर दूसरी शादी की और वो घर भी छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो जैसे ही वापस आया आपने उन्हें फौरन माफ कर दिया। मैं कोशिश करने के बाद भी ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि मेरा क्या कसूर है। आप मुझे माफ क्यों नहीं कर पा रहे? मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप मुझे किस चीज की सजा दे रही। जितनी मोहब्बत मैं आपसे करता हूं शायद ही कोई करता हो, लेकिन आज मुझे यह पता चल गया कि आपको मुझसे वैसी मोहब्बत नहीं जैसा आप दावा करती। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का और हमेशा रहेगा। दो दिन के लिए शाह महल जा रही हूं मैं, कुछ जरूरी काम भी है और डैड के लिए खत्म भी करवाना है। मुराद को बता दिया मैंने। तुम मेरी सोच से ज्यादा होशियार निकली हो। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो लगता नहीं था कि तुम मुख्तियार शाह की बेटी हो, पर तुम्हारी सोच तो बिल्कुल वैसी ही है। आखिर बेटी हूँ उनकी, आपको क्या लगा कि आप घर में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, तो क्या मेरी इतनी औकात नहीं है कि अपने शौहर को एक छोटा सा गिफ्ट दे सकूँ? वो गाड़ी तुमने अपने शौहर को गिफ्ट नहीं की, तुम मेरा मुकाबला कर रही हो। आप जो भी समझे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपके घर का सारा काम कर दिया है मैंने, पोर्च साफ है, मैं जा रही हूँ।